हमारे पैसे इनके पास 7.5 लाख रुपए सर। बताइए। हम आप ये लोग जमीन हमारे साथ कब्जा कर रहे हैं काफी दिनों से, अब घर पर भी कब्जा करने लगे हैं सर, रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत प्रार्थना पत्र मैंने दिए सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ साहब जांच में गए तो मुकदमा लिखा, अब साहब कुछ भी नहीं है, अब रिपोर्ट कहते हैं जाते जाते तभी साहब अब कहा हो रहा है, चलो देख लेंगे। चलो घर गए, हमको दो बार गाली दे के भगाया, फिर हमने हमारे घर में यशु साहब रात के 8 बजे छापा मार दिया और ये कह के गए जाके मुख्यमंत्री का आदेश लेके आ। क्या हुआ बताइए सरोज देवी, बताओ क्या हुआ। थाने में रिपोर्ट की है आपने? नहीं। हाँ, रिपोर्ट साथ। उसका भी लिख दिया मुकदमा? हाँ, बराबरी लिख दिया साहब, मुकदमा मरबो है ना, छोड़ छोड़ बच्चन पे उन्होंने मारा है। हाँ, ठाकुर मारे हैं। सर दो बार मार चुके हैं, जो क्रॉस केस बना दिए हैं। हमारे छोटे लड़कन पढ़ा कहाँ, कहा थी पढ़े ना दिए, दो दिन हुए कि पढ़ू तो आगे बढ़ू तो हमारे कबड्डी बना। कहते हैं कि जब तक तुम्हें क्रिमिनल केस में फंसा नहीं देंगे, चलिए और पता लगा लें, सही से सर उसकी तैयारी कर रही है क्या, जब तक तुम्हारे पास क्रिमिनल केस नहीं चला दी, दो दिन से पढ़ोगी अफसर बनोगी, मेरे पापा की कहाँ से गुंडे लगा दिए अफसर बन, कहा थे अफसर बन के हमारे खोपड़ी तांडो कर सर, उन लोगों का भी नाम लिखवा दिए जो घर पे थे ही नहीं, वो ड्यूटी में मेरे पापा राजस्व कर देखें साहब, साहब देखें कैसे हम का मारे यहाँ लाठी से, हमें मारे दूसरे के पड़ोसी रहम खाक वीडियो बना ले। तो वहाँ किसी अधिकारी से नहीं मिले आप, पश्चिम SP जो बैठते हैं वहाँ पर उनसे नहीं मिले? क्यों किया नहीं गए हम जानवा नहीं, एकदम मारे रहे तो उनसे मिले रहे ने, वो बताए मुकदमा लिखा तो सभी को बुलाया जाएगा IG रेंज के सामने, चाहो तो अभी IG रेंज साहब से मिलकर जाइएगा आज, देखना ठीक है वो देख लीजिए मेडिकल वगैरह, मैं FIR इसीलिए लिखी है साहब, इतना तीन लोगों का सर कट गया सर, तीन कराएंगे कार्रवाई होगी अपने क्षेत्र सर, मेरे पापा को मार डालेंगे तो कहां पापा खाएंगे, कार्रवाई होगी चिंता सर, आप एक ही रास्ता ड्यूटी छाने को फिर वाले लैंडिंग अकेले नहीं जा पाते, लैंडिंग फिर उसे फोटो खींच कहते हैं जा दूंगा सोशल मीडिया पे सर, हिम्मत नहीं होती दरवाजा खोल ले। ये बात उनके बच्चों को लेटर लिख, जब IO आएगा उनके उनको बताया ये बात CO को एडिशनल SP को? वहाँ पहली बार मारे थे 23 तारीख को इन्होंने मारा अगस्त को सर, उसका FIR 3 महीने के बाद मैंने SP साहब से भाग के गए थे, SP साहब आदेश दिए 2 तारीख को, नहीं ये जो 3 महीने बाद हाँ, नहीं तो जब आपका केस हुआ तब आप मिले किसी से कि कार्रवाई नहीं हो रही, पकड़े गए कोई? नहीं सर, किससे मिले फिर आप? SP साहब आदेश किए थे कब? कहा थी कि साहब की मुँह से आदेश आए तो हम सांप का रस्सी बना देंगे, मैं इसका जवाब देता। चलिए ठीक है, IG साहब के सामने जाइए, वो बुलाया जाएगा, वहाँ IO को इनको सबको जिसकी गलती होगी दंडित होगी। बताइए सर, इंस्पेक्टर साहब को फोन आया था कुमार चतुर्वेदी जी, मुझे थाने बुलाए थे 15 दिन पहले सर, तो थाने गए थे अभी इनको 4.5 हमारे रिश्तेदार पिछाई मिट्टी है, इनको 4.25 लाख रुपए दे दीजिए सर, हमने बकायदे बैंक अकाउंट से पैसा लेन देन किया है सर, उनको दिए थे हमने, उनको वापस कर दिया है हाँ पैसा, और हमारे पैसे खुद इनके पास 7.5 लाख रुपए सर हैं, तो पेपर अपने दिखाने कहा तो है। ये कौन पुलिस विभाग में कौन था SIMT? तो सर हमने पेपर दिखाने से कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे काका का आदेश है, पेपर डाल दूंगा, और फिर कल बुलाए सर CO साहब, और उसे कहा CO साहब बुलाए हैं कल गए, तो सर उन्होंने कहा कि होटल सीज कर देंगे हम आपका 3 दिन के अंदर, आप बुकिंग बैठा के पूरे खागा घुमाएंगे आपको सर।
वो एडिशनल एसपी हैं जी, उनके सामने जाएंगे सब लोग, कार्रवाई ना हो तो फिर वापस 15 दिन बाद आइएगा। शिव प्रसाद यादव बताइए। हम आपके लोग जमीन हमारे सर कब्जा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, अब घर पर भी कब्जा करने लगे हैं सर, रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत प्रार्थना पत्र मैंने दिए सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले उन्हीं के यहाँ जाते हैं सर, और उन्हीं के यहाँ से फिर लौट जाते हैं, जैसे कहते हैं वैसे प्रार्थना पत्र मतलब लिख कर वापस कर देते हैं। ये तो जमीन का मामला तो वो रेवेन्यू वाले भी गए होंगे वहाँ पर। जी सर, पैमाइश कई बार हमने कराया है फिर, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं सर। मेड़ बांध लिए? जी सर। बंद गई? नहीं सर, मेड़ बांधे थे तो नष्ट कर दिए ना, इसमें लिखे हैं सर धारा 24 पैमाइश नीचे वाली में सर। धारा 24 हो गई, पैमाइश हुई? जी सर। मेड़ बंदी जब हुई जी सर पूरी हो गई थी? नहीं पूरी हो गई सर, फिर तोड़िए उसके बाद फिर नष्ट कर दिए, लेकिन पुलिस वाले कुछ उनमें FIR वगैरह कुछ नहीं लिखे सर। तो कप्तान साहब को मिले या CEO को किसी को? सर यही नीचे एक एप्लीकेशन बात सर, अब एक हफ्ता गया सर, वो हमें जो ना SDM साहब लिखा था कि मुकदमा नहीं है, और लेकिन पुलिस वाले लिखा था सर कि जो है उसमें मुकदमा चल रहा है सर। उप जिलाधिकारी पट्टी तहसीलदार पट्टी द्वारा दी गई जांच के अनुसार घाटा संख्या 72 रकबा इतना फतेहपुर परगना तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ श्रीमती पराना देवी पत्नी माता फेर शिव प्रसाद पुत माता फेर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तो नाम तो है ये आपके जिसमें प्रार्थी में बैठे रहिए वहीं, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ना, प्रार्थी वह विपक्षी सह खातेदार है जो आपसे बंटवारे के अनुपूरक काविज हैं। उक्त आपका विवाद है किससे? रामदयाल से। रामदयाल से? जी सर। तो दोनों सहखातेदार हो ना? उसमें सहखातेदार से अलग से जमीन है वहाँ जहाँ लाल शहर चढ़ी है। तथा उक्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे की भूमि विपक्षी द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। तो इसमें तो लिख रहा कि आपकी भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, तहसीलदार की रिपोर्ट यही है? जी सर, पहले किया मतलब 2020 की आई, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा धारा 24 अंतर्गत वाद आयोजित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसका आ गया जी तो धारा 24 का फाइनल जजमेंट आ गया? फाइनल हो गया है, फाइनल हो गया, लेकिन मेरे को नष्ट कर दिया 79 निचोले क्या है 79 वाले विषय में, जिसमें प्रार्थी आबाद है, प्रार्थी के कब्जे की भूमि किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। इसमें सर अब हस्तक्षेप करता हूँ, मैंने नष्ट कर दी सर। कोई रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि हस्तक्षेप कर रहा है वो? कोई रिपोर्ट है रेवेन्यू की? रेवेन्यू की रिपोर्ट ना सर, या जो ना आज एक हफ्ते की रिपोर्ट है सर, जो मैं मुकदमा आया है, लेकिन इसमें लिखा हुआ ग्राम फतेहपुर घाटा संख्या इतना उपरोक्त घाटा संख्या की जिस न्यायालय में बात विचाराधीन नहीं है, ना ही जिलाधिकारी पट्टी के न्यायालय में बात विचाराधीन है। स्पॉट मेमो पत्र के साथ संलग्न पूर्व आख्या का अवलोकन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय देखभाल को भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने के संबंध में भविष्य में सचेत कर दिया गया, निर्देशित किया गया है। ये उसी में जाइए थाना दिवस या तहसील दिवस में, ये नंबर ले जाइए, उनको नंबर दे दो। इसमें जॉइंट टीम जाएगी वो करा के आएगी सर। DM साहब पुलिस घूम रहे हैं अभी नीचे, देखे सर वही नीचे है क्या, तो उसमें जो है जो वो कहते हैं वही रिपोर्ट लगा के भेज दिए, उसमें लिख रहे हैं कि इसमें मुकदमा है, इसका मुकदमा फला नंबर है, पटवारे का सर इसी में है नीचे वाले, वही है जमीन का मामला तो वही बताएंगे ना सर नीचे वाले, और ये नीचे एक बीच में सर, ये बीच वाली ये एडिशनल SP ने रिपोर्ट दे रखी है कि विचाराधीन माननीय न्यायालय, ये तो है ही नहीं, अब तो है नहीं कोई न्यायालय में, तो कुछ नहीं चल रहा जी सर, इसका मुकदमा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन गलत रिपोर्ट दिया था सर, गलत है रिपोर्ट आए में हमारा जमीन है, हमें लिखता है बंटवारा सर। ठीक है, इस बार जाइए और यहाँ फोन से संपर्क में रहिए, जो फोन नंबर दिया श्रीमती उर्मिला देवी, उनको यही बताएंगे जो रिपोर्ट है ये गलत है, उसमें लिख के एडिशनल SP को लिखे,
उर्मिला देवी पत्नी धनी राम। अब न्यायालय में कोई मुख्य बात जो है निकल जाएगी कि उसमें न्याय जो रेवेन्यू की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है साहब कि इसमें कोई न्यायालय में कोई मामला नहीं चल रहा, जबकि ये एडिशनल एसपी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर वहाँ तोड़फोड़ हो रही है तो उसकी एफआईआर पंजीकृत करें। हाँ उर्मिला देवी बताइए। सर हमारा मुकदमा लिख तो उठाए, 3 महीने दौड़े तब जाके सीओ साहब जांच में कहे तो मुकदमा लिखा। अब साहब कुछ भी नहीं है, अब रिपोर्ट कहते हैं जाते जाते तभी साहब अब कहा हो रहा है, चलो देख लेंगे, चलो देख लेंगे। बाहर रह रहे हैं, चाहते हैं तब सच से बताते हैं साहब जो ना हमको ऐसे बच्चे से हमको मार ईट कत्तल से मारा थे साहब के दरोगा भेजा थे साथ ही उनके सामने मारा जाता है साहब। जो हमारा सामान सब बेच देंगे सब कटेंगे तब कहाँ से हमारा बरामद कर। हम ये कहीं साहब के उनका साथ चला ही साथ लिया ही चला। हमका जो ना सामान दिखाओ आप खड़ा रहा सामान हम निकाला। इनकी पूरी फाइल जो बना के वहाँ भेज दो, इनको बता दो एडिशनल सीपी के सामने आज ही पेश हो जाए, पहले पता कर लेना वो ऑफिस में बैठे नहीं बैठे। साहब एसएसपी से की सर पे नहीं रिपोर्ट लगाई दी थी जो काहे गलत रिपोर्ट लगाई रिपोर्ट वो नहीं गवाही दे दी थी। अब ऐसा आपका यहाँ से नहीं होगा, एडिशनल सीपी साहब के पास भेज रहे हैं उनके सामने ये बात बताइए, आज ही जाके मिलते आ जाइए उनसे। आप नाम सुने बोलते हैं अभी ये भेज देंगे आपकी पूरी फाइल जो अब तक जाँच हुई है, ठीक है। यहाँ से लिख के भी जा रहा है, आप मिल लीजिए लेकिन उनसे एक बार सब दवाई लेके साहब कौन सुनाई थाने से नहीं होता। और थाने से नहीं, हम यहाँ का बता रहे हैं ना जो अधिकारी आए नहीं वो सुनेंगे। सगीर अहमद चले जाएंगे वहाँ पर, रिपोर्ट वोट आती रहेगी, अपने बात तो रख दें अपनी जाके एक एप्लीकेशन वहाँ दे देंगे, यहाँ से भी लिख के चला जाएगा वहाँ भी बताइए। सगीर अहमद बताइए। सर हम आए थे 17 तारीख को, आपका आदेश हुआ था। हाँ तो ये रिपोर्ट देख ली आपने क्या है? सीओ मौके पर गए थे, सीओ साहब गए वहाँ? नहीं गए। हाँ नहीं नहीं गए। वीर सिंह क्षेत्राधिकारी नगर फतेहपुर नहीं गए, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर की गई जिसकी जांच, वो तो लिख रहे हैं कि जांच की गई उनके द्वारा। नहीं सर गए। आवेदक सगीर अहमद अपनी पुत्री मेहनाज बांध को विपक्षी में पकड़ने चिल्लाने छुड़ाकर भाग जाने बताया जा रहा है, किंतु स्थान पर दीवार बनी है जिसकी ऊंचाई करीब 6 से 7 फीट ऊंची है। इसमें तो लिख रहा है कि 6 से 7 फीट ऊंची दीवार है, उस दीवार पर छेड़खानी करके भाग जाना संभव नहीं है। गलत है सर। हाँ गलत है। अच्छा आवेदक के सगीर उपरोक्त पूर्व में वफाती से हमारा रास्ते का विवाद था, बड़े दादा का लड़का उसने ही रास्ता रोक दिया उसका विवाद है। रजवानपुर वफाती की पत्नी को चोट लगी थी, मारपीट हुई थी। हमारा लड़का है सर, पे एनसीआर संख्या इतना लिखा गया था। रजवानपुर सगीर अहमद उपरोक्त रिजवान हमारा लड़का है सर, ये गलत लिखा गया। हाँ तो मारपीट की होगी ना? मारपीट कुछ नहीं हुआ। वफाती ये रिजवान की पत्नी को चोट लगी थी, रिजवान हमारा लड़का है। हाँ और रिजवान वफाती जो बड़े दादा का लड़का है और रिजवान के खिलाफ ये एनसीआर लिख गई जिसके माननीय न्यायालय के आदेश पर विवेचना की जा रही है, इसकी विवेचना चल रही है। आवेदक को थाने में संदर्भित मामले में बुलाया गया तो थाने नहीं आ रहा, थाने आप जा नहीं रहे बता रहे हैं जब बुलाया जाता है। नहीं सर गए, हमको 2 बार गाली दे के भगाया, फिर हमने हमारे घर में यशु साहब रात के 8 बजे छापा मार दिया और ये कह के गए जाके मुख्यमंत्री का आदेश लेके आ। अगर सर हम अगर मौका तो आई कहा है बच्ची का सर हम कहते पुनः जांच हमारी करा दी जाए। ठीक 3 बजे तड़के साहब इतना 3 बजे आपके से 2 बार भी कप्तान साहब के सामने सीओ भी आएंगे, आप भी आओगे, दूसरी पार्टी भी आएगी। जी जी ठीक है।